देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। घूरा डालने को लेकर हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, लगभग एक दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के नई बस्ती गांव निवासी वीरेंद्र तिवारी का घूरा पड़ा हुआ था, जिसको गिरीश व उनके लड़कों ने ट्रैक्टर से घूरे को जोत दिया। जब वीरेंद्र ने मना किया तो लाठी डंडे लेकर हमला बोल दिया, जिसमें लगभग वीरेंद्र व उसके परिवार के लोगों सहित दोनों पक्ष के एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 112 पर सूचना दी गई, मौके पर पहुंची 112 ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं थाना अध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया घटना की जानकारी मिली है। मौके पर पहुंचकर रुद्र प्रताप नारायण तिवारी ने जांच की तो घूरा को लेकर मामला पाया गया, जिससे विवाद हुआ, तहरीर मिल गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तिवारी कहाँ रहने वाले? नई बस्ती। क्या मामला हो गया? मामला ये था, तहसीलदार, लेखपाल और कानून और पुलिस एसडीएम, ये सब तहसीलदार मेरा घूरो घर में हम डालते थे, वो घूरो गड्ढों में डलवा गए, तो उसी को ये घूरो जबरदस्ती हटा रहे सेक्टर से, तो इन्होंने जबरदस्ती पूरी मीटिंग करके हम लोगों को मारा है। अच्छा, कितने लोग घायल हुए आप लोग? हम लोग 8-9 घायल हैं। कितने भैया गिनती कर लो? और कितने 7 लोग घायल है, जबरदस्ती इन लोगों ने ट्रैक्टर से अपने हम लोग सब खेत में काम कर रहे हैं।